रमन रेति लौट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, ए नर तू जानो कहा ब्रज को तत्व महान। आप ब्रज में आए और गोकुल जी में नहीं आए, रमन रेति क्षेत्र महावन में नहीं आए जहाँ प्रभु ने रास किया है, जहाँ प्रभु का जन्म हुआ है। ऐसा है कि माना जाता है कि आज भी भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन प्रभु पले बड़े गोकुल में, और आज भी गोकुल में भगवान की वो कर्म भूमि है, और आज भी प्रभु साक्षात बलराम भैया के साथ गोकुल में विराजमान है। गोकुल के किनारे किनारे पर यमुना मैया बहती हैं। कहा जाता है यमुना भक्ति की प्रतीक है। आप वृंदावन में आए और भक्ति प्रभु की चाहते हैं तो आपके लिए विशेष सरल उपाय यह है कि आप वृंदावन के नजदीक जाकर 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना आपकी सुविधा है उतना समय आप यमुना माँ के लिए निकालें। कुछ भी आपके मन में जो भजन है या कोई भी स्तुति है, पाठ है, वो यमुना महारानी के नजदीक किनारे पर बैठ कर करें, तो आपको खुद ही आभास होगा, खुद ही एक प्रेम का एक अलग से एक अलग स्फूर्ति, एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। तो मेरा यही कहना है कि आप आए तो रमन रेति क्षेत्र में भी आए जो गोकुल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, महावन क्षेत्र में भी आए क्योंकि यही प्रभु ने रास किया है। ये धरा परम पवित्र है ब्रज क्षेत्र में। वैसे तो पूरा ब्रज क्षेत्र ही पवित्र है, पावन है, प्रभु का शरीर है, लेकिन ये रमन रेति गोकुल और महावन ये त्रिवेणी जो संगम है ये महान पवित्र है। ब्रह्म विवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, अन्य समस्त पुराणों में इसका वर्णन है। तो आशा करती हूँ आप अवश्य आए और अवश्य यहाँ के दर्शन करेंगे। राधे राधे।